लाइट काट दी गई है सदन की, आप देख रहे हैं पूरे सदन को अंधेरे में कर दिया गया है, एसी बंद कर दिया गया है। सारे माननीय 23-24 विधायक हम लोग सदन के अंदर हैं और ये स्थिति है कि लाइट बंद कर दिया गया है, एसी बंद कर दिया गया है, शौचालय में जाने दिया जा रहा है, मार्शल कम से कम 40 से 50 मार्शल इसके अंदर भेज दिया गया है और हम लोगों को पानी तक मुहैया नहीं कराया जा रहा है। लगभग 4 घंटों से हम लोग लगातार इस सदन में बने हुए हैं, आप देख रहे हैं हमारे पीछे स्पीकर का कुर्सी हुआ करता था, किस तरह से अंधेरा व्याप्त है। और ये जो लाइट आप देख रहे हैं ये सदन के बाहर की लाइट आपको थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही होगी। तो ये स्थिति है छात्रों की लड़ाई लड़ने के लिए, बेरोजगारों की लड़ाई लड़ने के लिए एक एक विधायक जो है 5-5 लाख लोगों के प्रतिनिधित्व करने वाले, आज इस तरह से उनको कैद करके बना करके रखा गया है इस सरकार में, तो आप समझ सकते हैं कि सच्ची लड़ाई लड़ने वाले और सच्चे वादे को याद कराने वाले लोगों को गुनाह की ये सजा मिल रही है। और ये अगर गुनाह की सजा है तो ये गुनाह हम लोग बार बार करेंगे। मुख्यमंत्री जी, आपको 5 लाख नौकरी के हिसाब से 25 लाख नौकरी देना होगा, बेरोजगारी भत्ता 5,000-7,000 हर पढ़े लिखे युवक युवती को देना होगा, और जितने भी अनुबंध कर्मी हैं पारा शिक्षक से लेकर के सारे लोग, पारा पुलिस, सेविका, सहायिका, ANM, GNM, मनरेगा कर्मी और जितने भी हमारे ठेका प्रथा पर काम करने वाले लोग हैं उनके लिए आपको चिंता करनी होगी और उनके लिए आपको उनको अस्थाई करना होगा। आपने यह घोषणा किया था और जब घोषणा आपने किया है तो वादा तो पूरा आपको करना पड़ेगा। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, AC काट दीजिए, पानी बंद कर दीजिए, हम लोगों को बाहर मत जाने दीजिए, जो करना है जुल्म वो आप कर लीजिए। हम अंधेरे में रह सकते हैं लेकिन झारखंड के 3.5 करोड़ युवाओं के लिए और झारखंड के 3 करोड़ जनता, 3.5 करोड़ जनता के लिए हम लोग अंधेरा में रहना कबूल करेंगे लेकिन उनके भविष्य को हम अंधेरे में नहीं जाने देंगे। ये हम लोगों का वचन है जिस पर भारतीय जनता पार्टी के एक एक विधायक हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आगे भी हम लोगों की निरंतर लड़ाई जारी रहेगी। आप देख रहे हैं किस तरह से घूप अंधेरा है और हमारे विधायक के सामने मैं दिखा नहीं पा रहा हूं, आप लोगों को बहुत दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारे मार्शल को भर दिया है, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे इतने सारे मार्शल भरे गए हैं कि आप बाहर नहीं जा सकते हैं, पानी नहीं पी सकते हैं, शौचालय नहीं जा सकते हैं। तो ये स्थिति है, ये वास्तविकता है, तो आपको ये बात जानना होगा। ये छात्रों का लड़ाई है, JSSC JPSC में जितने धांधली हुए हैं उसका CBI जांच करने के लिए, और जितने भी अनुबंध कर्मी हैं, जितने भी ठेका में काम करने वाले झारखंड के युवक और युवती हैं उनका यह विषय है और इस पर सवाल पर हम लोगों को जवाब चाहिए, मुख्यमंत्री को देना होगा। हम लोग एक दिन रहेंगे, दो दिन रहेंगे, रात भर रहेंगे, भूखे प्यासे रहेंगे, लेकिन हम लोग ये लड़ाई को बंद करने वाले नहीं है। आप सभी लोगों से आग्रह है इस विषय को जन जन तक पहुंचाएं और सारे लोगों को बताएं कि आपकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी कैसे प्रखर होकर के लड़ रही है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।